तो एक और ब्यूटीफुल सा दिन हो चुका है गाइस अपने लॉस एंटोस के अंदर। और गाइस आज इस ब्यूटीफुल से दिन के अंदर मैंने भी खरीद लिया अपने लिए एकदम मस्त वाले कपड़े, जिसके अंदर गाइस यार मैंने अपने लिए भाई साहब एकदम बढ़िया वाला सूट सिलवा लिया है। बट यार गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मैंने इतना मस्त वाला सूट क्यों सिलवा लिया आज। दरअसल गाइस यार मैं आज जा रहा हूँ इंटरव्यू के लिए, वहाँ पर जाकर गाइस मुझे बस अपना इंटरव्यू देना है और फिर भाई तो मैं काम पे लग जाने वाला हूँ। इसी बात से गाइस यार अपना सिंचान भी खुश है और भाई चौप भी खुश है और मैं तो साथ ही साथ भाई खुश हुई, क्योंकि यार गाइस आपको पता होगा यार भाई साहब मैं कितने टाइम से घर पे निकम्मा बैठा हुआ हूँ और भाई कुछ काम नहीं कर रहा हूँ। इसलिए गाइस यार कल मैं गया था भाई एक काम के खोज में और लिटरली तुम्हें पता है भाई साहब मुझे एक जगह का नंबर मिला और भाई मुझे पता चला कि वहाँ पर बहुत सारे काम के लोगों की जरूरत है। इसलिए गाइस यार मैंने वहाँ पर कॉल किया और भाई मुझे पता चला कि भाई वहाँ पर लिटरली भाई साहब बहुत सारे लोगों की जरूरत है। तो गाइस यार फाइनली मेरा इंटरव्यू सिलेक्ट हो चुका है और इसलिए गाइस यार आज मैं आया था आज सुबह सुबह यहाँ पर एकदम मस्त वाला सूट खरीदने के लिए और मैंने अभी वो सूट तो खरीद लिया। और गाइस अभी तो मैं जा रहा हूँ अपने घर और फिर गाइस निकलूंगा थोड़ी देर बाद इंटरव्यू देने के लिए। बट यार गाइस मुझे ये नहीं पता कि भाई साहब काम क्या होने वाला है। वो तो गाइस यार उन्होंने कहा कि तू पहले इंटरव्यू दे उसके बाद में हम तुम्हें काम समझा देंगे। बट यार इंटरव्यू की क्या जरूरत है मुझे भी नहीं पता यार। बट यार गाइस आपको पता होगा यार भाई साहब इंटरव्यू देने के लिए मुझे पढ़ा लिखा भी होना जरूरी है। तो गाइस यार आपको पता नहीं तो मैं आपको ये भी बता दूं कि भाई साहब मेरी बस 12th हो चुकी है। तो गाइस यार इसीलिए अब मुझे ये नहीं पता कि मैं पास हूँ या फिर फेल। अरे छोड़ो ना भाई मैं भी कितना ज्यादा सोच रहा हूँ यार, डरते है क्या भाई साहब? सीधा जाएंगे इंटरव्यू देंगे और भाई साहब सीधा काम पे लग जाएंगे। भाई साहब मेरे लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। बट पहले तो आओ गाइस चलकर अपना सूट पहन कर देखते हैं कि भाई साहब कैसा लगने वाला है और बाद में सिंचन और चॉप को भी दिखाएंगे। हेलो भाई सिंचन चॉप ये देखो लेकर भी आ गया मैं सूट। अरे वायर तुम अभी गए? बेलकर भाई आ भी गया। वैसे कितने का पड़ा तुम्हें? ये है कुछ 10,000 रुपए का। अब्बा भाई कल वह इतना महंगा सूट? अबे बिल्कुल भाई इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ आज भाई, बढ़िया तो लगना चाहिए ना मैं। हाँ चॉप फ्रेंकली भी यानी बिल्कुल सही का, वही तो बोल रहा यार। अगर तुम लोग देखो ना भाई मैं अगर भाई आज इस इंटरव्यू में पास हो गया तो भाई साहब मजा आ जाएगा और फिर भाई पैसा ही पैसा होगा। हाँ बट यार तुम्हें कितने पैसे मिलने वाले सैलरी में? वो तो मुझे भी नहीं पता। अब्बा भाई कल वह जब तेरी सैलरी आएगी ना तब हमें बस वाली बर्गर पार्टी दियो। अरे ठीक है भाई बर्गर पार्टी नहीं, उससे भी बढ़िया वाले रेस्टोरेंट में ले चलूंगा तुम दोनों को और जो चाहिए खिला दूंगा। क्या सच बोल रही तुम? बिल्कुल भाई सच बोल रहा हूँ। और भाई सिंचा तुझे मैं जल्दी आरसी कार भी दिला दूंगा। क्या सच बोल रही तुम? अरे बिल्कुल भाई मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे लगता है गाइस यार सिंचान के लिए सब सपना है। बट यार रुको भाई पहले तो अपना सूट पहन के देखता हूँ। वैसे भी यार मुझे अभी 11 बजे तक वहाँ पर पहुँचना है। आओ गाइस यार अभी फटाफट से अपना सूट पहनते हैं, लेट्स गो और देखते भाई कैसा लगने वाला है। तो फाइनली गाइस यार मैंने वो सूट पहन लिया और तुम लोग देखो भाई क्या मस्त लग रहा हूँ मैं। लग रहा हूँ ना गाइस यार एक बड़े से ऑफिस में काम करने वाला एम्प्लॉय। बट यार थोड़ी सी कमी आ रही इसमें भाई, इसके अंदर टाई होती तो मजा आता यार। बट यार इसके अंदर जो मैंने गले पे लगा हुआ है ना भाई साहब वो बटरफ्लाई की तरह, वो यार मुझे कुछ वेटर वाली फीलिंग दे रहा है बे। अबे रुको भाई इन दोनों से पूछता हूँ। अरे भाई तुम दोनों को कैसा लग रहा हूँ मैं? अरे भाई यार तुम तो बढ़िया लग रहे हो। अबे भाई कल मुझे तो वेटर लग रहा है। वेटर लग रहा है तुझे भी? अबे बिल्कुल भाई कल तुझे भी लग रहा है क्या? अबे बिल्कुल भाई मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। बट छोड़ो ना भाई इतना महंगा खर्चा करके आऊ भाई साहब, मुझे लगता है इस सूट के साथ यही आता होगा। हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। बट यार उसको निकाल देना चाहिए, तो हमारे पास एक टाई पड़ी हुई है। अबे छोड़ो ना भाई कहाँ टाई वाई पहनू। वैसे भी यार अभी मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ भाई अभी अपने इंटरव्यू के लिए। अगर भाई तुम दोनों को कुछ चाहिए होगा तो बाहर से मंगवा लियो कॉल करके। बट यार हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। अबे यार क्या तुम लोग भी, ये ले भाई 1,000 रुपए। यार ये क्या 1,000 रुपए यार, इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आ रहे? अरे तुझे क्या करना है भाई, मैं तो जा रहा हूँ अपने इंटरव्यू के लिए और तुम लोग भाई आपसे पैसों की फिक्र मत करो भाई, आपसे हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। क्या सच में? बिल्कुल भाई अभी मैं जा रहा हूँ, पर यार 2 मिनट के लिए इधर तो आओ। अरे बोलो भाई क्या हो गया यार, तुम इधर आओ पहले तो। हाँ बोल भाई क्या हो गया, क्यों बुला रहा है वापस है? यार थैंक यू ऑल द बेस्ट आपके इंटरव्यू के लिए। अरे थैंक यू सो मच भाई। अब आप भाई कल मुझसे भी ऑल द बेस्ट तेरे इंटरव्यू के लिए। अरे थैंक यू भाई चॉप, अब जा सकता हूँ ना मैं? हाँ जाओ जाओ जल्दी आ जाना घर पे। अच्छा ठीक है चलो गाइस यार सिंचन और चॉप ने तो मुझे ऑल द बेस्ट बोल दिया। आप लोग कब बोल रहे हो भाई मुझे ऑल द बेस्ट? क्योंकि गाइस पहली बार अपने जिंदगी में जा रहा हूँ इंटरव्यू देने के लिए और अगर गाइस मैं इस इंटरव्यू में पास हो गया ना भाई मजा आ जाने वाला है और फिर तो भाई अपना काम पक्का है। इसलिए गाइस यार तुम लोग एक काम कर दो यार, आप लोग भी चाहते हो ना भाई कि मैं इस इंटरव्यू में पास हो जाओ तो एक काम कर देना, फटाफट से कमेंट के अंदर ऑल द बेस्ट फ्रेंकली जरूर लिख देना ताकि गाइस यार मैं फटाफट से अपना इंटरव्यू दे सकूं और भाई साहब पास हो जाओ अपने इस इंटरव्यू में। और गाइस जब तक मैं अपने उस लोकेशन पे पहुंचता हूँ तब तक गाइस यार मैं आप सबको एकदम बढ़िया वाला शाउट आउट देना चाहता अपने वीडियोस के अंदर। तो गाइस यार आज का अपना पहला शाउट आउट जाता अपने मयंक भाई को, इनका बर्थडे आता है 15 मई को। तो मयंक भाई आपका बर्थडे यार 2 महीनों बाद आने वाला है, तो यार आपको मेरी तरफ से एकदम बढ़िया वाला शाउट आउट और भाई एकदम बढ़िया वाला हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। और गाइस अपना अगला शाउट आउट जाता अपने लक्ष्य भाई को, इनका बर्थडे आता है 23 मार्च को। तो लक्ष्य भाई आपका बर्थडे यार इसी महीने में आने वाला है, तो आपको मेरी तरफ से एकदम बढ़िया वाला शाउट आउट और भाई एकदम बढ़िया वाला हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। और गाइस अपना आखिरी शाउट आउट जाता है अपने दानिश भाई को, इनका बर्थडे आता है 13 जुलाई को। तो दानिश भाई आपका बर्थडे यार बड़ा लेट आने वाला है यार, बट कोई बात नहीं दानिश भाई, आपको मेरी तरफ से एकदम बढ़िया वाला शाउट आउट और भाई एकदम बढ़िया वाला हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। और गाइस आपको मेरे वीडियोस के अंदर ऐसा शाउट आउट चाहिए तो गाइस एक काम कर देना, फटाफट से इस वीडियो का लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हां गाइस जाओ कर दो फटाफट से इस वीडियो का लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब और भाई साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाए। और भाई साथ ही साथ
कमेंट के अंदर अपना नाम और अपनी बजट जरूर लिखना गाइस, ताकि मैं आप सभी को एकदम बढ़िया वाला शाउट आउट दे सकूं अपने वीडियोस के अंदर। और यार वैसे भी अभी मैं पहुंचने वाला उस लोकेशन के ऊपर, अभी तो चलते गाइस फटाफट से लेट्स गो। अभी बस भाई यहां से राइट मारना है, मुझे उन्होंने कुछ बीच के साइड बुलाया था। अब पता नहीं भाई बीच के साइड क्यों बुलाया था, मुझे लगता है भाई वहां पर उनका कोई बड़ा सा ऑफिस तो नहीं। अबे वाह भाई, ये तो बड़ी कंपनी लगती मुझे। अबे यार मजा आ जाएगा फिर, अगर गाइस मैं बड़ी कंपनी में काम करूंगा फिर तो गाइस यार मुझे पूरे पूरे 10-15 लाख रुपए मिल सकते हैं सैलरी पर मंथ। भाई साहब मजा आ जाएगा 10-15 लाख रुपए हर मंथ में यार। भाई साहब चला अभी तो चलता बड़ा से लेट्स गो। वैसे भी यार ऐसा लगता है मैं अभी पहुंचने वाला हूँ। ये देखो यार अपने लोकेशन में देख रहा हूँ, यहाँ से मुझे सीधा अंदर जाना है, बट यार यहाँ पर क्या है बे। अबे यार यहाँ पर तो कुछ छोटी मोटी घर है, यहाँ पर क्यों बुलाया मुझे। रुको यार भाई चल कर देखता हूँ, एक काम करता हूँ यहीं पर अपनी एक कार पार्क कर देता हूँ। लेट्स गो, ये हो गई अपनी कार पार्क। अभी चल कर देखता हूँ भाई कहाँ पर बुलाया मुझे। यार पता नहीं, एक सेकंड यहाँ पर एक बंदा इससे पूछता हूँ, हेलो भाई तुम्हारा नाम क्या है। तो मैं उससे क्या मतलब है। अरे भाई मतलब मैं एक रेस्ट्रो ऑटो कंपनी ढूंढ रहा हूँ। अरे हाँ आओ आओ, ये हमारी कंपनी है। क्या सर ये आपकी कंपनी है। अरे बिल्कुल बिल्कुल, मैं ओनर उस कंपनी का। हैं तुम ओनर हो, और भाई ऐसे कपड़े में क्या कर रहे हो। अरे मतलब क्या तुम्हें शक हो रहा है मेरे ऊपर कि मैं इस कंपनी का ओनर हूँ। अबे बिल्कुल भाई शक हो रहा है, मतलब भाई तू ये काम क्या करता है। अरे पहले तो तुम मुझे एक बात बता, तुम कौन हो। अरे भाई मैं फ्रैंकलिन क्लाइंटन हूँ, कल मैंने तुम्हें कॉल किया था ना। अच्छा फ्रैंकलिन, अरे बिल्कुल भाई मैं ही फ्रैंकलिन हूँ। और भाई मुझे एक बात बताओ, मुझे क्या काम करना होगा यहाँ पे। अरे कुछ नहीं, तुम यहाँ पर ट्रक ड्राइवर का काम करोगे। क्या ट्रक ड्राइवर। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रक ड्राइवर का काम ही तो है जो कि तुम्हें करना है। अबे यार ये कहाँ फंस गया मैं, मुझे लगा भाई कोई बड़ी सी कंपनी होगी, ये तो भाई कोई ट्रक ड्राइवर में लगा रहा है। अबे यार इसके लिए इतना महंगा सूट खरीदा मैंने, और ये इंटरव्यू की क्या बात कर रहा था। अरे भाई तुम मुझे एक बात बताओ, मुझे इंटरव्यू के लिए क्यों बुलाया था। अरे इंटरव्यू किसने कहा, हम लोग तो कोई इंटरव्यू नहीं लेते, हम लोग तो बस देखते हैं तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर नहीं, और अगर होगा तो हम तुम्हें ले लेंगे हमारी कंपनी में ड्राइविंग के लिए। अबे यार ये क्या दिक्कत है, कहाँ फंस गया मैं। अब यार घर पे जाऊंगा तो सिंचन और चौप को क्या कहूंगा कि भाई साहब मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। अबे यार कहाँ फंस गया बे। ऊपर से गाइस आपने देखा भाई सिंचन और चौप मुझसे कितनी ज्यादा उम्मीद लगाकर बैठा है कि भाई मैं एकदम मस्त वाले काम पर जाऊंगा और भाई साहब उनकी सारी की सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। अब यार ये कहाँ फंस गया, अब यार कुछ तो करना पड़ेगा यार। ऐसा लगता है गाइस अब मुझे मजबूरन ये ट्रक ड्राइवर का काम करना ही पड़ेगा, बट यार घर पे मैं सिंचन और चौप को नहीं बताने वाला कि मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। अब यार भाई कहाँ फंस गया, छोड़ो गाइस यार कोई बात नहीं, कर ही लेते भाई साहब, एक महीने बाद देखेंगे कहीं और काम ढूंढ लेंगे। तो मैं मंजूर है जॉब। अरे बिल्कुल भाई मंजूर है, बता भाई मुझे क्या करना पड़ेगा। ये जो तुम ट्रक देख रहे हो ना, इस ट्रक को तुम्हें डिलीवर करना है। अच्छा इस ट्रक को डिलीवर करना है, मतलब भाई ट्रक के अंदर के सामान को या फिर पूरे ट्रक को ही डिलीवर करना है। अच्छा ठीक है भाई, तो दिखाओ तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस। अच्छा रुक जा भाई अभी दिखाता हूं, मेरे फोन के अंदर फोटो है। अरे हाँ दिखाओ दिखाओ, ये ठीक है ना भाई फोटो। अरे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा ठीक है भाई, तो भाई मैं जा सकता हूँ। अरे बिल्कुल बिल्कुल, पहले तो सुनता लो मेरी बात। अच्छा ठीक है, बता भाई क्या बोल रहा है। तुम्हें हर मंथ मिलेगी पूरे के पूरे $20,000। अरे क्या कहा भाई $20,000। बिल्कुल बिल्कुल $20,000। अरे यार लिटरली गाइस तुम्हें पता $20,000 भाई साहब तो कितने ज्यादा होते हैं। लिटरली गाइस यार अपने इंडियन करेंसी में ये होते हैं पूरे 20 लाख रुपए। भाई साहब मुझे लगा कि भाई ट्रक ड्राइवर का काम कोई छोटा मोटा होगा, पर भाई ये तो कितने ज्यादा पैसे दे रहा है। अरे बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग बहुत ज्यादा पैसे देते हैं, इसलिए अभी मैं तुम्हारे फोन के ऊपर एक लोकेशन भेज रहा हूँ, वहाँ पर जाओ फटाफट से और डिलीवर कर दो इस ट्रक को। अच्छा ठीक है भाई भेज दो फटाफट से। अरे हाँ भेज रहा हूँ, तुम जाओ ट्रक लेकर। अच्छा ठीक है भाई, बट पहले तो रुको भाई इसके पीछे खोल के देखता हूँ क्या है इसके अंदर। रुको लेट्स गो गाइस, खोलता हूँ। अरे अरे मत खोलो उसको, वो हमारा सामान ही है। अबे पर क्यों भाई, खोल के देखने में क्या हर्ज है। अरे खोलो मत उसको, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अरे मतलब क्या है भाई उसके अंदर। अरे एक बार नहीं कहा ना मैंने। अच्छा ठीक है भाई जा रहा हूँ मैं, चलो गाइस निकल ही जाता हूँ भाई यहाँ से। पता नहीं भाई ये बंदा मुझे ट्रक खोलने से मना क्यों कर रहा है, ऐसा क्या है भाई इस ट्रक के अंदर। चलो गाइस वो तो बाद में देखेंगे, बट पहले तो भाई फटाफट से इस ट्रक को एकदम बस तरीके से बाहर निकालते लेट्स गो। वैसे तो गाइस यार मुझे ड्राइविंग करना बड़ी पसंद है, बट यार ये ट्रक वक्त चलाना भाई थोड़ा दिमाग के ऊपर चला जाता है यार। भाई साहब इस ट्रक को थोड़ा संभाल के चलाना पड़ेगा मुझे। वैसे भी यार अभी उस बंदे ने मुझे वो लोकेशन भेज दे जहाँ पर मुझे अभी इस ट्रक को डिलीवर करना है। अब पता नहीं गाइस यार वो लोकेशन यहाँ से कितना ज्यादा दूर है। चलो गाइस यार चला कर ही देखेंगे ये ट्रक को। और यार एक बार इंटीरियर देखो भाई इस ट्रक का, भाई साहब कितना ज्यादा बड़ा है। और मेरे साथ तो कोई है भी नहीं, एक काम करता हूँ अगली बार से सिंचन को लेकर आओ अपने साथ। अबे पर नहीं यार, सिंचन को कैसे बताऊँ कि भाई साहब मैं ट्रक ड्राइवर हूँ। अबे यार भाई कहाँ फंस गया। बट यार जो गाइस उसने मुझे बात कही ना भाई कि मुझे पूरे $20,000 मिलने वाले, भाई साहब मजा आने वाला है भाई। पूरे 20 लाख रुपए से भाई मैं क्या क्या खरीद सकता हूँ। सिंचन और चौप के लिए एकदम मस्त मस्त वाले कपड़े खरीदूंगा, उन दोनों के लिए एकदम टॉयस खरीदूंगा, और भाई साहब उनको जो चाहिए सब कुछ कर सकता हूँ यार। भाई साहब मजा आएगा। बट यार उससे पहले चलो गाइस चलते बड़ा से लेट्स गो। बट यार उसने कहा कि ट्रक को मत खोलना। अबे रुको भाई खोल के देख ही लेता, वैसे भी यार देखने से क्या ही जाने वाला है। रुको भाई पहले तो यही कहीं पे साइड पे खड़ा करता हूँ इस ट्रक को। लेट्स गो, ये आ गया। अब गाइस यार फटाफट से इसके पीछे वाले दरवाजे खोलता हूँ। लेट्स गो गाइस, मैंने दरवाजे तो खोल दिए। अभी आओ भाई फटाफट से देखते भाई ट्रक के अंदर
अंदर क्या है? अबे एक सेकंड यार, ये कौन से बॉक्स है बे? अबे यार इसके ऊपर तो वार्निंग लिखी हुई है। अबे यार इसके अंदर कोई बम बम तो नहीं? अबे यार ये कहां फंस गया मैं? मुझे लगता है गाइजर ये लोग सच्ची में कोई बम बम एक्सपोर्ट करते हैं अपने लॉर्ड सेंटोस के अंदर। अगर गाइजर ऐसा हुआ ना भाई, तो भाई साहब अगर ये बम बम पड़ गए बीच में तो भाई साहब मैं तो सीधा मर जाऊंगा। अबे नहीं भाई, मुझे नहीं करना ये काम। और यार ऊपर से वो 20 लाख रुपए दे रहा है, अब तो मुझे शक हो रहा है। ऐसा लगता है गाइजर वो सच्ची में भाई साहब कुछ गलत काम करवा रहा है मुझसे। अगर मैं पकड़ा भी गया ना भाई, दिक्कत हो जाएगी। अब भाई यार ये कहां फंस गया? मुझे लगा गाइजर मुझे पूरे 20 लाख रुपए मिल रहे हैं इसको डिलीवर करने के। बट यार गाइजर ये जो चीज मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ ना भाई साहब, ये कुछ तो खतरनाक सी चीज है। बट यार अब मैं क्या करूँ भाई साहब, मैंने जो काम हाथ में ले लिया है ये तो मुझे करना ही पड़ेगा ना यार। अब यार ये कहां फंस गया गाइस? तुम लोग देख रहे हो इस ट्रक के अंदर मुझे लिटरली लगता है कुछ बड़े बड़े बॉम्ब्स होंगे या फिर गाइजर कोई बड़े बड़े वेपन्स होंगे जो कि गाइजर इलीगल है। इसी के बदले गाइजर मुझे पूरे पूरे 20 लाख रुपए मिल रहा है। अब गाइस मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा यार। भाई साहब मुझे कुछ ना कुछ करके भाई साहब पोडार से इस ट्रक को डिलीवर करना होगा और भाई इस काम को छोड़ना पड़ेगा। बट यार अगर मैं आज इस काम को छोड़ देता भाई साहब इस ट्रक को डिलीवर करके, भाई साहब जो आज मैंने काम किया इसके पैसे तो मुझे मिलेंगे ही नहीं। अब हाँ यार ये तो दिक्कत है। बट यार उसने मुझे ये नहीं कहा कि मुझे पेमेंट कब से मिलने वाली है, कहीं भाई उसने मेरे साथ स्कैम तो नहीं कर दिया? अबे हाँ ये भी हो सकता है। और भाई साहब मेरा तो इंटरव्यू भी नहीं हुआ। अबे यार गाइस मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं इस ट्रक को डिलीवर कर दूंगा ये लोग भाई भाग जाएंगे। अबे यार क्या क्या चीजें आ रही मेरे दिमाग में। अबे हाँ यार मुझे तो समझ नहीं आ रहा। रुको रुको गाइस यार काम करता हूँ, उसने जो मुझे लोकेशन दी है पहले तो वहां पर चलता हूँ और वहां पर देखता भाई किस बंदे को मुझे ट्रक डिलीवर करना है और फिर गाइस यार उसी बंदे से भाई आज के पैसे लूंगा और भाई छोड़ के चला जाऊंगा। इसलिए गाइस यार अभी काम करते सीधा चलते भाई साहब उस लोकेशन के ऊपर और जाकर भाई फटाफट से ट्रक को डिलीवर करते हैं। बट यार तब तक गाइस आप लोग मेरे साथ हो तो गाइस यार काम कर देना, फटाफट से इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हां गाइस कर दो यार भाई फटाफट से इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब। अभी तो चलता भाई फटाफट से उस लोकेशन के ऊपर और जाकर डिलीवर करते थे भाई फटाफट से ट्रक को। लेट्स गो। ये क्या यार सुबह के 11 बज गए फिर भी यार फैंकी भी अभी तक आए नहीं? अब भाई सिंचान मुझे लगता है वो अपने काम पे लग गया होगा। नहीं यार फैंकी भी आने तो कहा नहीं यार कि वो आज से काम पे लगने वाले, उन्होंने तो कहा था यार वो बस आज अपने इंटरोगेशन के लिए जाने वाले। अब भाई वो इंटरोगेशन नहीं होता, वो इंटरव्यू होता है। अरे हाँ वो इंटरव्यू यार, पता नहीं यार अभी कब तक आएंगे फैंकी भैया। यार जब से मुझे घर में बैठे बैठे बोर हो रहा है। अब यार गाइस जब से फैंकी भैया काम पे लग जाएंगे तब यार मैं घर में बैठा बैठा क्या करूंगा? फिर तो यार मैं ऐसे बैठे बैठे बोर हो जाऊंगा। वैसे भी यार मेरे लॉस सेंटर्स के अंदर कोई दोस्त है ही नहीं। रुको एक काम करता हूँ, सीधा चलता भाई साहब बाहर और यार जाकर कोई नए दोस्त बना लेता हूँ। अब भाई सुचारे काम करते छुपन छुपाई खेल लेते हैं। नहीं यार हम दो लोगों में क्या छुपन छुपाई खेलेंगे? एक सेकंड ये लोग कौन है अब हमारे घर के बाहर? हेलो अंकल आप कौन हो? और भाई साहब हमारे घर के बाहर इतनी बड़े बड़े वेपन्स लेकर क्या कर रहे हो? अरे वाह यार तुम लोग बाहर आ गए आखिरकार। जब से मैं बाहर से आवाज दे रहा कोई घर के बाहर आ नहीं रहा था यार। हमें तो घर के अंदर आवाज ही नहीं आई। अरे यार मुझे लगता है मेरी आवाज छोटी है ना इसलिए नहीं आई होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वैसे आपको क्या चाहिए? पानी चाहिए क्या पीने के लिए? रुका भी ला कर देता हूँ मैं। अरे नहीं नहीं बच्चा हमें पानी नहीं चाहिए, हमें तो तुमसे कुछ तहकीकात करनी है। क्या कहा तहकीकात? कौन सी बात की तहकीकात? दरअसल बच्चा तुम्हें पता इस घर का जो मालिक है फ्रैंकलिन क्लाइंटन, उसके नाम के ऊपर पूरे 50 करोड़ का लोन है। क्या कहा 50 करोड़ का लोन? बिल्कुल बच्चा, हमारे बैंक से फ्रैंकलिन क्लाइंटन ने पूरे 50 करोड़ का लोन लिया है, इसलिए हम लोग आज आए फ्रैंकलिन क्लाइंटन के पास हमारा लोन के पैसे लेने के लिए। क्या कहा लोन के पैसे? यार 50 करोड़, ये कैसी कैसी बातें कर रहे तुम लोग, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अरे बच्चा तुझे समझ नहीं आएगा, तो एक काम करियो फ्रैंकलिन को बुला के लाइयो, हम लोग को फ्रैंकलिन से बात करनी है। बट यार वो तो घर पे आए नहीं, वो तो काम पे चले गए। अरे वो काम पे जाए या फिर कहीं पर भी जाए, हमें तो बस हमारे 50 करोड़ से मतलब है। तुम्हें काम करो उसको कॉल करके अभी के अभी घर पे बुला लो। बट यार फैंकी भैया तो आज काम पे गए, मैं कैसे कॉल करूँ? तुम एक काम करो कल आ जाना, कल यार फैंकी भैया को मैं बता दूंगा घर पे रहने के लिए। अब मैं जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय। अरे बच्चा दिमाग वट खराब कर, नहीं तो खामा का दिमाग खराब हो गया, तुझे पकड़ के ले जाएंगे जेल में डाल देंगे तुझे भी। अरे यार मुझे क्यों जेल में डालोगे? फैंकी भैया ने लोन लिया ना तो उन्हीं से बात कर लो, मैं तो जा रहा हूँ। अरे बच्चा यही पर रुक, अगर 2 कदम भी हिलाना तो देख रहे हमारे पास कितने हटिया आ रहे हैं, सीधा चला देंगे। क्या तुम मेरे ऊपर गोली चलाओगे? बिल्कुल बच्चे, हमें 50 करोड़ से मतलब है तुमसे नहीं, मुझे अभी के अभी मेरे 50 करोड़ चाहिए, नहीं तो तुम्हारे घर के ऊपर हम लोग कब्जा कर लेंगे। क्या कहा घर के ऊपर कब्जा? फिर हम लोग रहेंगे कहाँ पर? मुझे कुछ नहीं पता, तुम लोग जाओ रास्ते पे रहो कुछ भी करो, उससे मुझे मतलब नहीं है। तुम अभी रास्ते पे रहोगे तो रहोगे, मुझे इतना पता है। बस मुझे आजकल मेरे 50 करोड़ चाहिए, नहीं तो मैं छोड़ने नहीं वाला तुमको। अरे गाइजर हम लोग कहाँ फंस गए? फ्रैंकलिन भैया ने तो यार 50 करोड़ का लोन लिया, मुझे तो पता भी नहीं था। बट यार फ्रैंकलिन भैया ने लोन लिया कब? मुझे ऐसा लगता है गाइजर जब तक फ्रैंकलिन भैया घर पे थे ना तब तक यार फ्रैंकलिन भैया लोन लेकर ही रह रहे थे। अब यार ये 50 करोड़ कहाँ से चुकाएंगे हम लोग? यार रुको एक काम करता चलता है अंकल के पास और यार जाकर उन्हीं से बात कर लेता हूँ। यार अंकल प्लीज हमें माफ कर दे, हमारे पास फिलहाल के लिए इतने पैसे नहीं है, हम लोग यार अगले साल आपके पैसे लौटा देंगे। अरे नहीं बच्चा उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, तुम अभी क्या हमें हमारे पैसे दो नहीं तो देखो हम लोग क्या करते हैं। यार ये तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे। चल अंकल एक काम करो, थोड़ी देर तक यहीं पर इंतजार कर लो, क्या पता फैंकी भी आ जाए वापस से। अच्छा ठीक है बच्चे। अबे यार ये ट्रक चला चला के भाई साहब मैं परेशान हो गया यार। भाई साहब इस ट्रक में तो मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा आपका। यार कोई बात नहीं यार, वैसे ऐसे लगता है भाई मैं उस लोकेशन के ऊपर
पहुंचने वाला हूँ। चलो भाई फटाफट से जाकर इस ट्रक को डिलीवर करता हूँ। भाई यार इसका ब्रेक एक तो खराब है भाई, इसका जल्दी ब्रेक भी नहीं लगता। मेरे वजह से भाई साहब किसी की तो गाड़ी ठुक गई। छोड़ो गाइस कोई बात नहीं, ऐसा लगता है मैं पहुंच चुका हूँ यहीं पर। मुझे आई थिंक इस ट्रक को डिलीवर करना है। आओ भाई फटाफट से इस ट्रक को डिलीवर करता हूँ। लेट्स गो भाई, लग जा ब्रेक। चलो गाइस फाइनली ब्रेक तो लग गया। आओ भाई यार जाकर इनसे बात ही कर लेता हूँ। क्या ये ट्रक इन्हीं का है ना? आओ चलता भाई। हेलो सर, ये रेट्रो वाला ट्रक आप ही का है? अरे बिल्कुल बिल्कुल, ये ट्रक मेरा है। और भाई तुम हो कौन? अरे मैं तो भाई इस ट्रक का डिलीवरी बॉय हूँ। अच्छा डिलीवरी बॉय हो, वाह वाह, तुमने क्या बढ़िया काम किया, बड़े जल्दी आ गए तुम इस ट्रक को लेकर। हाँ सर, वो मेरी ड्राइविंग स्किल्स थोड़ी अच्छी है। अरे वाह, तुम्हारी ड्राइविंग स्किल्स तो एकदम मस्त है। बिल्कुल सर, आपने सही कहा। वैसे सर ये ट्रक आप ही का है क्या? अरे बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरी कंपनी हमारी है। अच्छा मतलब सर मैं आपकी कंपनी में काम कर रहा हूँ? अरे बिल्कुल बिल्कुल। अरे वाह गाइस, ये तो अच्छा हुआ कि भाई साहब इस कंपनी का मालिक है, मुझे सीधा यहाँ पर मिल गया। बट सुबह वो कौन था भाई? अब ऐसा लगता है कोई मैनेजर होगा। बट छोड़ो कोई बात नहीं गाइस, यार देख के तो ऐसा लगता है कि यही हो सकता है इस कंपनी का मालिक। तो सर आप मुझे एक बात बताओ यार, इस ट्रक के अंदर कौन से बॉक्सेस रखे हुए हैं? अरे क्यों यार, तुम्हें उससे क्या मतलब है? सर वो तो बस ऐसे यार पूछ लिया मैंने उसको खोल के देख लिया था। क्या कहा तुमने, उसको खोल के देख लिया? हाँ सर बस ऐसे देख लिया, मुझे थोड़ी बेचैनी हो रही थी। अरे यार तुम्हारे अंदर दिमाग है क्या? नहीं, अगर उसको थोड़ा भी धक्का लग जाता ना वो सीधा फट जाता। क्या फट जाता? ऐसा क्या है सर उसके अंदर? उसके अंदर बहुत बड़े बड़े मिसाइल्स है और बड़े बड़े बॉम्ब्स है। क्या कहा, मिसाइल्स और बॉम्ब्स? बिल्कुल बिल्कुल, इतना चौंक क्यों रहे हो, तुम्हें पता नहीं था क्या? अबे हाँ सर मुझे तो पता नहीं था यार। छोड़ो छोड़ो सर वो सब बातें, सर मुझे आप यार आज के पैसे दे दो। भाई साहब मैं इस काम को छोड़ रहा हूँ। क्या आज के पैसे? जाओ जाओ, आज के पैसे कैसे दे दूं मैं तुम्हें? तुम्हें तो पूरे एक महीने तक काम करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारे पैसे नहीं देने वाला। अबे पर क्यों भाई नहीं देगा पैसे? यार भाई साहब आज इतनी ज्यादा रिस्क लेकर आया हूं मैं यहाँ पर, और भाई तुम लोग बोल रहे हो मेरे पैसे नहीं दोगे? अरे हाँ नहीं दूंगा, क्या कर लोगे तुम? अबे यार भाई मैं तेरा मुंह फोड़ दूंगा। भाई साहब पहले इतनी ज्यादा रिस्क लेकर आया हूं मैं, अगर भाई बीच में मुझे कुछ हो जाता तो? उसमें हमारी कोई दिक्कत नहीं है, हमने तो तुम्हें नहीं कहा था कि खोल के देखने के लिए। अबे हाँ यार बात तो सही है। फिर भी यार तुम एक काम करो, एक पूरे एक महीने के लिए हमारा काम करो, फिर हम तुम्हें तुम्हारी पेमेंट दे देंगे। अबे यार भाई तू तो ज्यादा कर रहा है अब तो। अरे हाँ करूंगा, क्या कर लोगे, मैं तो तुम्हें एक दिन की सैलरी नहीं देने वाला। तुम्हें अगर तुम्हारी सैलरी चाहिए तो तुम्हें पूरे एक महीने के लिए काम करना पड़ेगा। अबे पर क्यों भाई ऐसा क्यों कर रहे तुम लोग? अरे हम लोग ऐसे ही करेंगे, तुम्हें काम करना है तो करो, नहीं तो निकलो। अबे जा रहा भाई, मुझे नहीं करना तुम्हारा ये काम। अगर गाइजर इसकी इतनी सारी सिक्योरिटी नहीं होती ना यहाँ पर, इसका तो अभी मैं मुंह फोड़ देता यार। पर छोड़ो गाइस कोई बात नहीं, भाई इतनी ज्यादा रिस्क लेकर मैं भाई साहब ये बॉम्ब में एक्सपोर्ट नहीं करने वाला। अगर भाई किसी पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया तब भी भाई साहब बहुत ज्यादा दिक्कत है यार। इसलिए गाइजर मैं तो जा रहा भाई अपने घर पे। बट यार यहाँ से पैदल पैदल घर पे जाने के लिए पता नहीं कितना टाइम लगेगा। बट कोई बात नहीं गाइज, मैं तो जा रहा भाई अपने घर पे। अब यार रखा भाई, जो अपना काम है वही कर लेता हूँ। और भाई इस बंदे की कार चुरा था। हेलो सर, पड़ा से कार के बाहर जाओ और भाई मुझे अपनी कार दे दो। लेट्स गो गाइज, सर मैंने कार तो उठा ली, अभी चलो भाई पड़ा से लेट्स गो गाइज, चलते हैं घर पे। बट यार गाइज अब मैं घर पे जाकर सिंचन और चौक को क्या कहूंगा कि भाई साहब मैं कुछ मिसाइल एक्सपोर्ट कर रहा था भाई लॉस सैंटोस के अंदर। अबे यार भाई क्या कहूंगा इन लोगों को मैं। छोड़ो गाइज कोई बात नहीं, मुझे तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तो अभी सीधा जा रहा भाई अपने घर पे और जो हुआ सब कुछ सिंचन और चौक को बता दूंगा। क्योंकि गाइज सर मुझे भी खुद को पता नहीं था कि भाई साहब ये सब काम होने वाला है, वो तो गाइज सर मुझे बीच रास्ते में पता चला जब मैंने उस ट्रक को खोल के देखा। और गाइज सर मुझे लिटरली इन लोगों ने एक दिन की सैलरी तो एटलीस्ट देनी चाहिए था यार, इन लोगों ने क्यों नहीं दी वो भी मुझे नहीं पता यार। ये कैसे लोग है भाई कि भाई साहब लोगों के पैसे खा लेते हैं। अब यार गुस्सा तो बहुत ज्यादा आ रहा है मुझे। बट यार गाइज क्या कर सकते हैं, भाई साहब अपने हाथ में भी कुछ नहीं है। बट आओ गाइज अभी चलते पड़ा चल लेट्स गो अपने घर पे। बट यार मेरी कार भी वहां पर पार्क है उनके वो ट्रक वाले पार्किंग में, अभी भाई मुझे वहां पर जाकर अपनी कार लानी पड़ेगी। कोई बात नहीं बाद में जाकर लेकर आ जाऊंगा, और अभी तो चलता हूँ। एक सेकंड, अबे ये क्या है? चल रहा है भाई मेरे घर के बाहर। अबे रुको भाई देखता हूँ जाकर ही। और ये सिंचन भी क्या बातें कर रहा है इनसे। हेलो भाई सिंचन, ये देख मैं आ गया। अरे वाह फैंकी भाई फाइनली तुम आ गए। बिल्कुल भाई मैं आ गया, और यहाँ पर चल क्या रहा है वो तो बता मुझे। फैंकी भाई ये देखो ना, ये लोग आकर बोल रहे की आपने इनसे 50 करोड़ का लोन लिया है। क्या कहा 50 करोड़ का लोन? अरे बिल्कुल बिल्कुल फ्रैंकली, तुमने पूरे 50 करोड़ का लोन लिया, तुम भूल गए? अरे 50 करोड़ का नहीं भाई, 10 करोड़ का लिया था। अरे बोलो मत फ्रैंकलिन, तुमने करीब 5 बार लोन लिया हमसे। 5 बार नहीं भाई, इतना ले लिया मैंने। अरे बोलो मत, तुमने हर 2 महीने में 10-10 करोड़ का लोन लिया हमसे। मतलब हर 2 महीने बाद मैंने 10-10 करोड़ का लोन लिया है? अबे यार गाइस मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। अबे रुको भाई याद कर रहे थे, मैंने इतना बड़ा लोन कब लिया बे? यार रुको भाई। अरे हाँ गाइस मुझे याद आ गया, एक बार गाइस यार मुझे मेरे गाँव में पैसे भिजवाने थे, तब गाइस यार मैंने एक बार 10 करोड़ का लोन लिया था। उसके बाद में गाइस मुझे अपने घर का कुछ काम करवाना था, उस टाइम पे भी मैंने लोन लिया था। और एक बार तो गाइस यार मैं भाई एक रेसिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाला था, उस बार भी मैंने लोन लिया था। और भाई साहब और 2 बार मैंने लोन कब लिया था? ऐसे तो गाइस यार 30 करोड़ का लोन हुआ ना। अबे हाँ भाई ऐसे ही होगा, तो भाई साहब ये ऐसे क्यों बोल रहा है? अबे रुको भाई जाकर बोलता हूँ। अबे भाई मैंने करीब कुछ 30 करोड़ का लोन लिया, 50 करोड़ का नहीं। अरे नहीं नहीं तुम बोला मत, एक बार तुम्हें सुपर कार भी लेनी थी तब भी तुमने लोन लिया था, और एक बार तुम्हें किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करना था तब भी तुमने लोन लिया था। अबे यार इसको कैसे याद है, ये दोनों
चीजें तो मैं खुद भूल गया था। अबे यार कहाँ फंस गया, ये लोग को भी आ जाना था मेरे घर पे। अबे यार क्या करूँ गाइस, समझ नहीं आ रहा। अरे भाई तुम एक काम करो यार, कभी और टाइम आ जाना भाई लोन के पैसे लेने के लिए, फिलहाल तो भाई मेरे पास पैसे नहीं है। अरे कैसी बात कर रहे हो, पैसे नहीं बोल रहे सीधा। हाँ भाई नहीं है तो नहीं बोलूंगा ना मैं। हाँ तो एक काम करो, फटाफट से अपना घर खाली करो और निकल जाओ यार से। क्या कहा घर खाली करूँ? अबे तू क्या पागल हो गया क्या भाई, सब घर खाली कर दूंगा तो भाई सब रहूंगा कहाँ पे? वो सारी चीजें तुम्हें देख लो, उससे हमें मतलब नहीं है। तुम बस सीधा सीधा इस घर को खाली करो और निकल जाओ यार से। अबे पर भाई मेरी बात है तो सुन लो। अरे पर भाई छोड़ो, निकलो फटाफट से यार से। अबे भाई तू तो सीधा जबरदस्ती कर रहा है मेरे ऊपर। हाँ जबरदस्ती करूंगा और तुम्हें घर से बाहर भी निकालूंगा। फेंक भाई ये देखो, अब तो ये हमें घर से बाहर निकालने की बात ही कर रहे हैं। अबे वो तो सिंचार मुझे भी नहीं समझ आ रहा, क्या बोला अभी इनको। अबे पर भाई यार इतना सारा लोन मैंने ले तो लिया, अब मैं कैसे लौटाऊंगा भाई समझ नहीं आ रहा। अबे भाई तुम एक काम करो, मुझे कुछ दो तीन दिन का टाइम तो दे दो पैसे जमा करने के लिए। हाँ चलो काम करो, तुम्हारे पास आज का दिन का टाइम है, फटाफट से भाई शाम तक पैसे जमा करके लेके आ जाओ और छुड़ा लो अपने घर काम से। अबे भाई एक दिन में कौन लाता है भाई 50 करोड़? तुम्हें लाओगे और भाई साहब आजकल हमें पैसे भी दोगे, ऐसा तुम्हारा घर गया तुम्हारे हाथों से। अबे यार ये तो मान नहीं रहा यार। अरे आ जा भाई सिंचर, हम लोग कहीं ना कहीं से भाई पैसे लेकर आ जाते हैं। बट यार कहाँ से लाओगी इतने 50 करोड़ रुपए? वो तो मुझे भी नहीं पता यार, तू बैठ जा बस। अच्छा ठीक है चलो, अब यार गाइस एक काम करते हैं, सीधा चलते भाई मेरे गाँव में और जाकर मेरे गाँव में देखते भाई मेरे घर वालों के पास कोई जमीन वमीन है कि नहीं। अगर गाइस यार कोई जमीन हुई ना हमारे पास तो फिर गाइस हम लोग उस जमीन को बेच देंगे और भाई साहब पैसे कमा लेंगे और चलते घर पे। एक सेकंड यार ये क्या हो रहा है भाई यहाँ पर, ये बीच रास्ते में ये बाइक, इस बाइक के अंदर ब्लू कलर की स्पार्क क्यों आ रही है? अरे यार भाई साहब मेरी मदद करोगे तुम? क्या कहा भाई तुझे मदद चाहिए? अरे बिल्कुल भाई मुझे मदद चाहिए यार अपने घर पे जाने के लिए, तुम देख ही सकते हो मेरी बाइक खराब हो गई है। अबे हाँ यार इसकी बाइक तो खराब हो गई है इसलिए बोल रहा यार, भाई साहब तुम मेरी मदद करोगे? नहीं नहीं फेंकी भाई इनकी मदद मत करो और यार सीधा चलो आपके गाँव में, वहां से हम लोग पैसे लेकर आएंगे। अबे पर सिंचन रुक जाना भाई, वैसे भी यार ये बंदा भाई कितनी ज्यादा मुसीबत में लग रहा है। रुक जा भाई देख रहे इसके बाइक में हुआ क्या है। अरे मेरी बाइक की सारी वायर शॉर्ट सर्किट हो गई है और इसकी बैटरी भी जल गई है यार, इसलिए मेरी बाइक अब स्टार्ट भी नहीं हो रही। अब यार भाई इसकी बाइक की हालत देखो भाई तुम लोग, भाई पहली बाइक कितनी ज्यादा खराब है और भाई साहब तो इसकी बाइक की बैटरी उड़ गई। अरे इसलिए तो बोल रहा प्लीज मेरी मदद कर दो यार, मुझे अपने घर पे जाना है ताकि यार मैं अपने घर पे जा सकूं और जाकर अपना बाकी काम कर सकूं। अरे कौन सा काम भाई? अरे वो तुम्हें बाद में बताऊंगा, बट प्लीज यार मुझे तुम छोड़ सकते हो अपने घर तक? अच्छा ठीक है भाई, बता कहाँ पर रहता तू? तुम्हें जो वो पलीटो बीच जाने का रास्ता पता है? हाँ पता है भाई मुझे, तो वहीं पर हाईवे के बीच में से राइट साइड में अंदर की साइड मेरा घर है। अच्छा उसी रास्ते से जाने वाला हूँ मैं तो। अरे क्या वहीं से जा रहे हो तुम? अरे बिल्कुल भाई मैं तो अपने गाँव में जा रहा था। अच्छा आजा बैठ जा भाई, बड़ा अच्छा तुझे मैं बीच रास्ते में छोड़ दूंगा। अरे थैंक यू सो मच यार, तुम तो बड़े अच्छे इंसान हो। अरे बिल्कुल भाई चल कोई बात नहीं। अरे थैंक यू, रुको मैं बैठ जाता हूँ। अच्छा ठीक है तो चलो गाइस अभी चलते बड़ा अच्छे मेरे गाँव में और जाकर भाई लेकर आते भाई पूरे 50 करोड़ रुपए। बट यार मुझे तो ये नहीं पता कि भाई 50 करोड़ रुपए कहाँ से आएंगे मेरे पास। क्या कहा 50 करोड़? अरे बिल्कुल भाई यार थोड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ मैं। क्या कहा मुसीबत यार, हुआ क्या है तुम्हारे साथ वो बताओ? अरे वो तो भाई मैंने धीरे धीरे करके 10-10 करोड़ का लोन लिया था बैंक से। अच्छा 10-10 करोड़ का लोन यार, ये तो बहुत ज्यादा होता है। हाँ बिल्कुल भाई, इसलिए भाई वो टोटल लोन हुआ मेरा 50 करोड़ रुपए। क्या कहा 50 करोड़? यार ये तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल भाई, इसलिए यार वो आज सुबह बैंक वाले मेरे घर के बाहर आ गए और वो लोग मुझसे अब भाई वो पूरे 50 करोड़ मांगने लग गए। अरे तुम्हारे साथ तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ। बिल्कुल भाई तूने सही कहा यार। और भाई वो लोगों ने कहा कि भाई आज के आज मैं उनके पैसे नहीं देता हूँ तो भाई वो लोग मेरे घर के ऊपर कब्जा कर लेंगे। अरे यार फिर तो तुम रहोगे कहाँ पर? इसलिए तो भाई मैं जा रहा हूँ अपने गाँव में और वहाँ पर जाकर देखूंगा कि भाई साहब वहाँ पर अगर मुझे 50 करोड़ की मदद हुई तो फिर भाई साहब मैं उनके पैसे चुका दूंगा, अगर नहीं हुई तो भाई साहब तब तो भाई तुझे पता यार मैं तो सीधा रास्ते के ऊपर आने वाला हूँ। अरे यार तुम तो बड़ी मुसीबत में फंस गए यार। हाँ भाई तूने सही कहा यार, इसलिए भाई मैं तो जा रहा हूँ अभी अपने गाँव में। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। क्या तू मदद करेगा मेरी? बिल्कुल यार, तुमने अभी मेरी मदद की है तो मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अबे पर कैसी मदद भाई? अरे तुम चलो पहले मेरे घर पे, मैं तुम्हें बताता हूँ मैं क्या करूंगा। अच्छा ठीक है भाई, तो चलो गाइस एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इस बंदे को उसके घर पे छोड़ने चलते हैं और फिर देखते हैं भाई ये कैसे हमारी 50 करोड़ की मदद करने वाला है। बट यार उससे पहले गाइस अपने अभी तक इस वीडियो का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो क्या करो गाइस, कर दो यार फटाफट से इस वीडियो का लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब। और अभी तो चलते गाइस फटाफट से इस बंदे के घर पे, लेट्स गो। भाई और कितना टाइम लगने वाला है? अरे बिल्कुल बस हम लोग पहुंच गए, यहाँ से बस लेफ्ट मार लो। अच्छा यहाँ से लेफ्ट? अबे भाई तू पता नहीं कहाँ पर लेकर जा रहा मैं। बैंकी भाई मैंने कहा तुम इसकी मदद मत करो, खामो का हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। अरे तो फिकर मत कर सिंचार भाई, हम लोग थोड़ी देर में हमारे वापस से गांव में पहुंच जाएंगे अगर भाई इसने हमारी मदद नहीं की तो। अच्छा ठीक है फेंकी भैया, वैसे भी अभी हम लोग पहुंच ही गए है, ये क्या हो रहा है भाई यहाँ पे? यही तो है मेरा वो पोर्टल। क्या कहा पोर्टल भाई, ये सब क्या है यार? अरे सुनो मेरी बात, ये एक मैजिकल पोर्टल है, इसके अंदर अगर तुम कूद जाते हो तब यार तुम्हारी सारी की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। क्या कहा सारी की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी? अबे पर ये कैसे पॉसिबल है? अरे हाँ हाँ रुको रुको अभी बताता हूँ तुम्हें। पता
ये मैजिकल पोर्टल मैंने अपने हाथों से बनाया है, अगर तुम इस मैजिकल पोर्टल के अंदर उस रखे हुए साइकिल से जंप मारते हो तो यार पूरे एक दिन के लिए तुम्हारी सारी की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। बस अपने मन के अंदर जो चाहे मांग लो और वो सारी की सारी चीजें तुम्हारे सामने आ जाएगी। अच्छा ऐसा भी कुछ होता है क्या? अरे बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, तुम एक काम करो वहाँ पर देखो एक सामने एक साइकिल रखी हुई लेकर आओ। अच्छा रुक जाओ अभी लेकर आता हूँ। चलो गाइस यार फटाफट से साइकिल लेकर आता हूँ और देखता भाई ये कैसा पोर्टल है। अभी पर इसका तो पहिया उठा हुआ है। अरे काम करो अंदर और एक साइकिल रखी हुई है वो लेकर आओ। अरे पर भाई अंदर कहाँ पर है? अरे जाओ ना उधर अंदर राइट की साइड में। अच्छा यहाँ पर, अबे ये देखो यहाँ पर और एक साइकिल है बिल्कुल सेम है यार उस साइकिल की तरह। अबे यार ये सब क्या है यहाँ पर? चलो गाइस यार चलकर देख लेते हैं। बट यार वैसे तो पहली बार देख रहा हूँ भाई साहब मैं ऐसी कोई चीज जो कि भाई ऐसी चमक रही है, मतलब यार कोई गेट की तरह ये, और ये बंदा इसको पोर्टल बोल रहा है। आओ गाइस कोई बात नहीं अभी इसके अंदर जंप लगा कर देखते हैं। तो भाई जाओ ना मैं जंप लगाने के लिए। अरे बिल्कुल बिल्कुल तुम जा सकते हो, बट यार एक बात याद रखना तुम्हारे पास एक दिन के लिए पावर्स रहेगी। अरे ठीक है भाई तू फिक्र मत कर, अभी लगाते हैं जंप। ओहो गाइस मैंने जंप तो लगा ली। अब यार पता नहीं भाई क्या हो रहा है। अरे भाई अब क्या करूं बता तू ही मुझे। अरे इधर आओ अभी बताता हूँ। अच्छा ठीक है भाई बता अभी क्या करना पड़ेगा। ये देखो अभी तुम्हारे अंदर से गोल्डन कलर की रोशनी आ रही है। क्या कहा गोल्डन? अभी हाँ एक सेकंड, मेरे अंदर से तो एक गोल्डन कलर की रोशनी आ रही, वो तो मैंने देखी नहीं। हाँ फैंकी भाई वो तो मैं भी देख पा रहा हूँ, ये कैसे पॉसिबल है? वो तो मुझे भी नहीं पता यार। भाई तू मुझे बताएगा ये सब क्या चल रहा है? अब यार तुम्हारे अंदर वो पावर्स आ गई है, तुम अभी अपने मन के अंदर जो चाहे मांग लो, तुम्हारे सामने वो सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। अच्छा ऐसी बात है, रुक जा भाई अभी मांग कर देखता हूँ। गाइस एक काम करता हूँ कुछ इम्पॉसिबल सी चीज मांग के देखता हूँ, ताकि गाइस मुझे भी तो पता चले ये पावर्स कैसे काम करती है। तो चलो अब एक काम करो यार, यहाँ पर अभी एकदम मस्त वाली डायमंड की सुपर कार आ जाए। और यार ये क्या गाइस यार यहाँ पर तुम लोग देखो भाई डायमंड की वो भी सुपर कार आ गई। सिंचार भाई तू देख रहे तो सच में हो रहा है? हाँ ये तो मैं भी देख पा रहा हूँ यार। भाई थैंक यू सो मच यार, ये तो बढ़िया पावर्स है। अरे हाँ हाँ जाओ जाओ, तुमने आज मेरी मदद की है तो मैं भी तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। अरे थैंक यू सो मच भाई, चल मैं जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है बाय बाय। हाँ भाई बाय बाय। तो चलो गाइस यार अभी फटाफट इस कार को लेके चलते अपने घर पे और जाकर भाई इन पावर का इस्तेमाल करके बहुत सारे ऐसे पैसे वैसे मंगवाएंगे और भाई साहब उन लोगों को दे देंगे। बट यार पैसे आ जाएंगे सच्ची में? वो तो सिंचर भाई मुझे भी नहीं पता, चलना भाई घर पे जाकर ही देख लेंगे। अच्छा ठीक है चलो। तो चलो गाइस यार भाई साहब इन बढ़िया वाली पावर का इस्तेमाल करके अपना 50 करोड़ का लोन मिटा देते हैं। उसके बाद में तुम लोग देख लो गाइस मैं क्या क्या करने वाला हूँ। भाई बहुत सारा गोल्ड डायमंड भाई साहब गाड़ियां जो चाहिए मंगवा लूंगा, तुम लोग बस अभी देखते रहना गाइस मैं क्या क्या करने वाला हूँ। बट यार उससे पहले गाइस यार चलते बढ़ाते अपने घर पे, लेट्स गो। बस गाइस अभी हम लोग पहुंचने वाले अपने घर पे, लेट्स गो। गाइस यार हम लोग हमारे गली में पहुंच ही चुके हैं, अब बस भाई एक मिनट लगने वाला हमारे घर पे पहुंचने के लिए। लेट्स गो अभी मारते मस्त वाली ड्रिफ्ट। ओ भाई साहब क्या ड्रिफ्ट मारी है। बट यार ये कार और बाइक किसकी है? अरे कार बाइक हमारी है। और तुम आ भी गए? अरे बिल्कुल मैं आ भी गया। और भाई तुम्हारे पैसे भी लेकर आ गया? कार सच बोल रहे तुम? अरे बिल्कुल भाई मैं लेकर आ गया। तो दिखाओ कहाँ पर 50 करोड़ रुपए, हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे रुक जा भाई अभी दिखाता हूँ। तो चलो भाई एक काम करो फटाफट से इनके कार के ऊपर पूरे पूरे 50 करोड़ रुपए आ जाए। अरे ये क्या फ्रैंकलिन यहाँ पर तो सच में 50 करोड़ आ गए? अरे बिल्कुल भाई मैंने कहा था ना कि भाई मैं तुम्हारे 50 करोड़ लेकर आ गया, अब तुम लोग जाओ भाई तुम्हारे पैसे लेकर यहाँ से। और भाई खामो खामर दिमाग मत खराब करो। अरे थैंक यू सो मच फ्रैंकलिन सर। अरे चलो भाई कोई बात नहीं। वैसे गाइस तुम लोग देखो भाई कितने पैसे भाई यहाँ पर बंडल के बंडल रखे हुए पैसों के। भाई साहब मैं रुको भाई घर के अंदर जाने के बाद अपने लिए भी बहुत सारे पैसे मंगवाता हूँ। अरे पर कैसे मंगवाओगे तुम? अरे तुम लोग निकलो ना यहाँ से, दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? अरे हट जा रहे सर। यार दिमाग खराब कर देते हैं। चलो गाइस उन लोगों को तो मैंने भगा दिया, अब चलो गाइस और फ्लोर से बहुत सारा गोल्ड और डायमंड मंगवाता है। अबे क्या कहा गोल्ड और डायमंड? कैसा गोल्ड और डायमंड भाई कलो है? अरे तो रुक जाना मैं अभी दिखाता हूँ। तो चलो भाई एक काम करो, ये सारा का सारा फर्नीचर हटा के यहाँ पर गोल्ड आ जाए और वहाँ पर भाई बहुत सारा डायमंड आ जाए और भाई साहब ये बीच में वाली जगह पे यहाँ पर बहुत सारे पैसे आ जाए। और यार ये देखो गाइस यार यहाँ पर भाई कितने सारे पैसे आ गए। वाह भाई सिंचन देख रहे हम लोग कितने ज्यादा रिच बन गए। हाँ हम लोग तो बहुत ज्यादा अमीर बन गए। बिल्कुल गाइस अब तो हम लोग बहुत ज्यादा अमीर बन चुके हैं। और यहाँ पर ये देखो भाई कितने सारे डायमंड डायमंड भाई मजा आ गया यार, ये तो कितने बड़े बड़े डायमंड है। और रुको भाई मैंने तो गोल्ड अभी तक देखा ही नहीं, आ जाओ भाई सिंचन गोल्ड देखते हैं। हाँ चलो चलो देखते हैं गोल्ड। तो गाइस यार ये देखो भाई यहाँ पर भाई कितने बड़े बड़े ट्रेस आ गए भाई, वो भी प्योर गोल्ड के। भाई साहब कितने बड़े बड़े ब्रिक्स है ये तो गोल्ड के। यार मुझे तो ऐसा लगता है फ्रैंकी भी अभी हमारे पास होंगे कुछ 1-2 हजार करोड़ रुपए। हाँ भाई सिंचन ऐसा लगता तो है। बट आप भाई एक काम करते हैं अपने लिए एकदम मस्त वाली सुपर कार भी मंगवाते हैं। हाँ मैं तो बोलते एकदम मस्त वाली लैम्बोर्गिनी मंगवा लो। अरे लैम्बोर्गिनी नहीं भाई मैं तो सोचा रॉयल्स रॉयल्स मंगवाता हूँ। तो चलो एक काम करो दोनों भी मंगवा लो। अच्छा ठीक है भाई। तो चलो भाई एक काम करो फटाफट अभी एकदम मस्त वाली गोल्ड की लैम्बोर्गिनी आ जाए और भाई डायमंड की रॉयल्स रॉयल्स आ जाए। अरे वाह तो मैं रॉयल्स रॉयल्स के अंदर घूमूंगा और भाई मैं लैम्बोर्गिनी के अंदर। तो चलो भाई सिंचन मैं तो जा रहा हूँ भाई अपने
इस गोल्ड के लैम्बोर्गिनी के अंदर घूमने के लिए। अच्छा ठीक है, जाओ जाओ, मैं भी जाऊंगा अपने रॉयल्स रॉयस के अंदर। अच्छा ठीक है भाई, तो चलो गाय यार, हमारे पास तो भाई एकदम मस्त मस्त वाली गाड़ियां तो आ गई और भाई बहुत सारा गोल्ड डायमंड पैसा शौहरत सब कुछ आ चुका है। और यार गाइस, आप लोग चाहते हो कि भाई साहब मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करके और भी बहुत सारी बढ़िया बढ़िया चीजें मंगवा लूं, जो कि गाइस यार ये पावर मेरे पास बस अभी एक दिन के लिए है। तो गाइस यार मुझे फटाफट से कमेंट के अंदर जरूर बताना कि भाई साहब मुझे इन पावर का इस्तेमाल करके और कौन कौन सी बढ़िया बढ़िया चीजें मंगवानी चाहिए। चलो गाइस यार, वो सब तो आप मुझे फटाफट से कमेंट के अंदर बता देना। बट यार गाइस, आपको अगर आज की वीडियो पसंद आए तो गाइस यार काम कर देना, फटाफट से इस वीडियो का लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हां गाइस, कर दो फटाफट से इस वीडियो का लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब। और चलो गाइस यार, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं और सिंचन मिलते हैं ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।